नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। हमारे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमको टू व्हीलर फाइनेंस करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का फाइनेंस करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, राइट? तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक का गुड्स होगा, कोई फ्रिज होगा, एसी होगा, टीवी होगा, टू व्हीलर होगा, ये सारे का फाइनेंस का काम अगर आपको करना है तो इसके लिए आरबीआई का एनबीएफसी के लाइसेंस की जरूरत होती है। फिर से बता दूं, आरबीआई के एनबीएफसी का लाइसेंस की जरूरत होती है, ये पहला चीज है, राइट? अब दूसरी बात में आते हैं। अगर आपने कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन किया हुआ है, एक बार फिर से, अगर आपने कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन किया हुआ है जिसके पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि हम कंज्यूमर गुड्स के लिए अपने मेंबर्स को फाइनेंस करेंगे, तो कंज्यूमर गुड्स जो भी होगा उसके लिए अपने मेंबर्स को आप फाइनेंस करोगे, लेकिन वो गुड्स को गिरवी नहीं रखा जाता, केवल एक डिक्लेरेशन लिखा जाता है कि ये सामान खरीदने के लिए हम इनको दे रहे हैं, और अगर कभी पैसा नहीं चुका पाए तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन देता है कि हम उस पैसे को के बदले में उस सामान को बेचकर या सामान को किसी भी तरीके से किसी को सरेंडर करके हम प्रोवाइड कर देंगे। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स पे डील नहीं करते हैं। तीसरा चीज, सेक्शन 8 कंपनी बहुत सारी क्या करती है कि वो पर्सनल लोन ही प्रोवाइड करती है, लेकिन कस्टमर से गारंटी ले लेती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल शॉप से कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, मोबाइल शॉप से जाकर वो कनेक्ट कर हो जाते हैं और वहां पर जाके फॉर्म भरवा लेते हैं कि भाई हमको लोन चाहिए, और लोन के अगेंस्ट में वो जो बिल होता है, जो मोबाइल की बिल है, अगर मोबाइल परचेज हो रहा है तो मोबाइल का बिल होता है, वो बिल बिल तो कस्टमर के नाम पे होता है, लेकिन उसका एक सेल का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसमें डेट नहीं डालते हैं और अपने पास रख लेते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, सेक्शन 8 कंपनी केवल पर्सनल लोन दे सकती है, मॉर्गेज लोन नहीं दे सकती, लेकिन वो इस तरीके से ये वाले काम को करती है। थोड़ा प्रैक्टिकल इशू के बारे में बात कर रहा हूं, राइट? कौन क्या करता है मैं ये बता रहा हूं। तो वो क्या करते हैं कि वो गुड्स उनके नाम पे ही रहती है, लेकिन गुड्स का जो बिल है उसका ओरिजिनल अपने पास रख लेते हैं, उसका ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेते हैं। इसी तरीके से जो व्हीकल लोन है, आरबीआई वाले एनबीएफसी से ही आपको दिया जा सकता है, उसके अलावा किसी और तरीके से नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है साहूकारी लाइसेंस वाली बात करते हैं। साहूकारी वाले लोग क्या करते हैं, टू व्हीलर का जो फाइनेंस करना रहता है, टू व्हीलर वाले के लिए डायरेक्टली पेमेंट करते हैं और इनके नाम पे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, और डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद में अपने नाम से ट्रांसफर के भी पेपर बनवा लेते हैं, मॉर्गेज का भी डॉक्यूमेंटेशन बनवा लेते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं उसी दिन पे जिस दिन पे क्या होता है आपकी गाड़ी परचेज की हुई रहती है, राइट? तो गाड़ी का परचेज डेट के दिन ही वो डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं कि ये गाड़ी हम मेरे नाम पे मॉर्गेज है, अगर पैसे नहीं पटा पाए तो फिर वो ट्रांसफर वाला पेपर यूज कर लेते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, और बेचने के बाद में जो पैसे आएंगे बाकी बैलेंस पैसा माइनस होगा और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो उसको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोग फाइनेंस का बिजनेस करते हैं। तो इसमें गलत सही की बात करें क्या, नहीं, इसमें कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि फाइनेंस उसको करने का राइट है साहूकार वाले को, और उसने फाइनेंस कर दिया। फाइनेंस करने के बाद क्या हुआ, अब सामने वाला जैसी गाड़ी खरीद लिया, खरीद तो लिया तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई, तो मॉर्गेज लोन करने का अधिकार रहता है साहूकार को, तो उसने मॉर्गेज कर दिया, राइट? तो सेम डे में अगर वो ये वाला काम कर रहा है तो ये उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, साहूकारी का हर एक स्टेट में मनी लेंडिंग एक्ट डिफरेंट होता है, इसीलिए हर स्टेट का एक्ट चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन वाले लोग हैं, माइक्रो फाइनेंस वाले हो चाहे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसी तरीके से मल्टीपर्पज सोसाइटी भी कभी कभी ये काम कर लेते हैं, और साहूकारी वाले गाड़ियां रखने का काम उन लोग वैसे भी करते हैं। मैं जो बोल रहा हूं ये कोई नया चीज नहीं बोल रहा हूं, वो गाड़ी रख लेते हैं, गाड़ी का ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और उसके बदले में पैसा दे देते हैं। तो पुरानी गाड़ियों पे तो साहूकार ये काम ऑलरेडी करते चले आ रहे हैं, राइट? नए वाले में ये जो मैंने बताया ये कई सारे लोग करते हैं। तो आपने लोन दिया ये सच है, आपने मॉर्गेज लिया ये भी सच है, और दोनों चीजें लीगल है, लेकिन कौन सा पहले और कौन सा बाद में ये चीज के अनुसार ये तय होता है कि ये लीगल है या इलीगल है। सही समय पर सही दिन पे अगर आप ये वाला काम करते हो तो कहीं ना कहीं पे प्रूफ करने में आपको सुविधा हो जाती है और आप ये वाला काम कर सकते हो। दोस्तों, आपके सारे क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके बेसिस पे ही मैं सोचता हूं कि अगला वीडियो क्या बनाऊं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।